हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैरिग्नान्स थ्योरम की कि वैरिग्नान्स प्रमेय क्या है और इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू कोप्लानर फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। क्या है, किसी भी दो समतलीय बल का किसी बिंदु के परितः घूर्णों का बीजगणितीय योग उन बलों के परिणामी का उसी बिंदु के परितः घूर्ण के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे दो फोर्स हैं, एक P है एक Q है, इसका परिणामी R है। तो क्या होगा, P का जो घूर्ण और Q का घूर्ण का हम जो ऐड करेंगे, सम करेंगे, वो क्या होगा, इन दोनों के बलों के रिजल्टेंट R का बिंदु D के परितः जो अबाउट जो घूर्ण होगा उसके इक्वल होगा। अबाउट D पॉइंट मोमेंट ऑफ P फोर्स प्लस मोमेंट ऑफ Q फोर्स इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट R। ये कैसे होता है हम अभी देखते हैं, हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। सपोज टू कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्स पी एंड क्यू आर एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ। यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्करेंट फोर्स हैं पी और क्यू जो ऐड कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ओ ए एंड ओ बी। जो फोर्स को हम रिप्रेजेंट किए हैं ओ ए और ओ बी से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। नाउ कंप्लीट पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। अब हम इसको एक समांतर चतुर्भुज ड्रा किए हैं, क्या है ओ ए और सी बी है। हु डायगोनल ओ सी रिप्रेजेंटेड द रिजल्टेंट आर ऑफ द टू फोर्सेस। जिसका डायगोनल ओ सी पी और क्यू के फोर्स का रिजल्टेंट आर को शो करता है। लेट मूवमेंट्स आर टेकन अबाउट डी पॉइंट। अब हम जो मूवमेंट लेंगे वो डी के अबाउट लेंगे। देखो डी के अबाउट लेने से पहले हम क्या किए, जो फोर्स के एंड्स हैं इनको हम डी से मिला दिए। मूवमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट D इक्वल टू इंटू एरिया ऑफ ओ ए डी। यहाँ पे हमने बताया था पिछले लेक्चर में जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट्स में, तो क्या बताया था कि अगर हम फोर्स को बेस माने और जहाँ से मूवमेंट ले रहे हैं उसको अगर वर्टेक्स या शीर्ष मान करके अगर एक ट्राइंगल ड्रा करें तो जो फोर्स का मूवमेंट्स होगा उस ट्राइंगल के एरिया के दोगुने के बराबर होगा। बिल्कुल वही हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं। देखिए जो पी फोर्स है उसका ये बेस हो गया और ये इसको हम मिलाए तो क्या ट्रायंगल बना ओ ए डी, इसका एरिया का दोगुने होगा। तो देखिए अगर हम एरिया का दोगुना हो गया तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ओ ए डी और ट्रायंगल बी ओ सी ये हो गया ओ ए डी और बी ये हो गया बी ओ सी, इसका जो यहाँ पे क्या है ये बेस दोनों क्या हैं इक्वल हैं और इसकी हाइट जो भी है देखिए यहाँ पे ओ डी और ओ बी दोनों भी इक्वल लगभग इक्वल हैं। अगर इक्वल हम मान लें तो क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल क्या है ओ ए डी और ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल ओ ए डी और बी ओ सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ओ ए डी इक्वल टू ट्रायंगल बी ओ सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए डी इक्वल टू ट्रायंगल बी ओ सी, तो क्या हो जाएगा टू इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। अब इसी तरह मोमेंट हम लेंगे क्यू का, क्यू का लेंगे तो क्या हो जाएगा टू इंटू एरिया ऑफ ओ बी डी, क्या हो जाएगा ओ बी डी। देखिए यहाँ पे बेस हो गया ये और ये क्या हो गया, इसको हम मैच करा दिए, एक लाइन ये ड्रा किए एक लाइन ये ड्रा किए, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना क्या ओ बी डी, इसके एरिया के दोगुने के बराबर होगा क्या हमारा क्यू का मोमेंट। सिंस टू मोमेंट्स आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे जो दोनों मोमेंट्स हैं वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये भी हमारा रोटेट करेगा डी के अकाउंट, तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो पॉजिटिव होगा। तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ पी फोर्स प्लस मोमेंट ऑफ क्यू फोर्स, तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ पी फोर्स क्या है टू इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी हो गया है और टू इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी। अगर हम यहाँ पे टू कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा टू इंटू ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ट्रायंगल बी ओ बी डी, तो ट्रायंगल बी ओ सी बी ओ सी और ट्रायंगल ओ बी डी, यहाँ ओ बी डी, इसको हम मान सकते हैं क्या टोटल ट्रायंगल, क्या सकते हैं ये टोटल ट्रायंगल बन जाएगा ये, तो इसके इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा टू इंटू एरिया ऑफ ओ सी डी। और देखिए ओ सी डी क्या है, अगर हम इसको बेस मान लें और इसको वर्टेक्स, तो ये अगर हम ये दोनों लाइन ड्रा करें तो क्या आ जाएगा जो रिजल्टेंट आर है इसका मूवमेंट होगा टू इंटू एरिया क्या होगा दोगुने के बराबर है, तो रिजल्टेंट आर का मूवमेंट हो जाएगा किसके अबाउट डी के अबाउट, तो हम लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ आर अबाउट डी।
हमको यही प्रूव करना था कि फोर्स पी और क्यू को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर के मूवमेंट के इक्वल होगा। तो मूवमेंट ऑफ पी फोर्स प्लस मूवमेंट ऑफ क्यू फोर्स इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।